कृष्णा पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कह रही पहले मैं परेशान थी पर आज मैं टूट गई हूँ, टूटने का कारण क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैम आज आप कह रही हैं कि मैं पहले परेशान थी लेकिन आज मैं टूट गई हूँ, टूटने का कारण क्या है? हालांकि वजहें तो कई सारी हैं, आज भी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्या इन्हीं वजहों से आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाई है काफ़ी और बढ़ती जा रही है? आज टूटने का सबसे बड़ा कारण है जिस मसीहा की जयंती थी उस मसीहा की जयंती नहीं होने दी जिसको लिए वो खुद घूम रही हैं। किसी ने सच कहा है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी कद्र नहीं करता है, उसके पास बैठना भी उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन जब ये दुनिया का है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है सब लोग उसके कंधे देने आते हैं, सब लोग उसकी अर्थी पे फूल चढ़ाने चले आते हैं। आज वही हो रहा है कि आज डॉक्टर पटेल नहीं है तो उनका फ़ोटो लेके सब चल रहे हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं जिंदा बैठी हूँ और मेरे को कष्ट दिए जा रहे हैं। हो सकता है कल मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ करके मेरी भी लड़ाई शुरू कर दी जाए। किन लोगों का हाथ इनके पीछे, जो आप लोगों ने पता चला कि कई सारे वेन्यू आप लोगों ने बुक किए थे लेकिन सारे कैंसिल कर दिए गए, आप लोगों को जो संगोष्ठी थी आप लोगों की वो नहीं करने दी गई, किन का हाथ है? क्या सरकार का हाथ है या फिर परिवार के ही कुछ लोग हैं इसमें? देखिए ना तो हम कोई आंदोलन कर रहे थे, ना कोई धरना कर रहे थे, ना कोई प्रदर्शन कर रहे थे। ये डॉक्टर साहब की जयंती थी और ये निरंतर हम लोग 12 साल से कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं और आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है यहाँ लखनऊ रोक दी गई तो कहीं हो नहीं रही है, भले ही छोटे स्तर पे हो रही है पूरे प्रदेश में हो रही है, चाहे लोग दीपक जला के कर रहे हैं, चाहे फूल चढ़ा के कर रहे हैं, चाहे माला चढ़ा कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर पटेल किसी व्यक्ति विशेष के पिता नहीं है, वो एक मसीहा है पूरे समाज के, उनने पूरे समाज को जगाने का और जानने का काम किया है। वो घर घर गए हैं, उन्होंने अलग जगाई है, इसलिए उनके आंदोलन को ऐसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी दूसरी बेटी और उनके पति इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम कर रहे हैं, आशीष पटेल कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार में है, क्या उन्हीं लोग का कुछ दबाव था? देखिए प्रतिष्ठान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, हम आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं सरकार में वो क्या पूरी सरकार है, सरकार ही उनकी पनी है, इसमें कौन है वो हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी कृष्णा पटेल जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन का दबाव था, लेकिन आज ये काफ़ी परेशान है, ये कह रहे हैं कि हम टूट चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन लोगों की वजह से इतनी जो ये माहौल था, जो वेन्यूज थे हमारे, उनको कैंसिल किया गया। कैमरा सेंटर के साथ मैं नितिन पटेल।